नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ राम हेम्ब्रम जमशेदपुर से, और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ चार लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, हिंदी में, ओडिया में और संथाली में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है और ये चार लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आप पसंद करते हैं और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में टेबल को किस तरह से आप क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे और सेव कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पर जाएंगे, उसका यहाँ पर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अगर आप यूज कभी नहीं किए हैं लोड होते हुए अभी, तो यहाँ आपको नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, स्टार्ट में क्लिक करने के बाद नीचे रहेगा, देखिएगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वहां क्लिक कर दें, अथवा नीचे में रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहां लिखा हुआ था, ये 2007 वर्जन है मेरा, यहां क्लिक कर दें। आप 10 वर्जन में भी काम कर सकते हैं, 13 वर्जन में भी काम कर सकते हैं, इस तरह का कई तरह का वर्जन है। ये 2007 वर्जन है, इससे पहले था 2003 वर्जन, उसका ऑप्शन कुछ अलग रहता था। तो यहां जाने के बाद इंसर्ट टैब में आप क्लिक करें, यहाँ टेबल आपको दिखेगा, यहाँ क्लिक करें और जितना बॉक्स यहाँ पर है इस बॉक्स में जिस तरह से आप ड्रैग करते जाइएगा, यहाँ को कुछ करना नहीं, क्लिक नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आपको सिर्फ माउस पर मूव करना है, आपको कितना रो और कॉलम चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर मूव करें और यहाँ पर क्लिक कर दें। मान लीजिए आपको इतना चाहिए, मूव कर सकते हैं, बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, और ये लाइन को मूव कर सकते हैं, जब इस तरह का एरो आएगा आप इधर कर सकते हैं छोटा करने के लिए, देखिए मूव हो गया, और इसको भी ऊपर नीचे किया जा सकता है आपका जरूरत के हिसाब से। यहाँ आपको मिलेगा डिजाइंस, डिजाइंस में टेबल का कई तरह का डिजाइंस है, जो भी डिजाइन आपको पसंद होगा आप उस डिजाइन को ले सकते हैं। और यहाँ पर इरेजर ऑप्शन है, इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। सबसे पहले देखते हैं ड्रॉ टेबल का काम क्या है। इस तरह का पेन का सिंबल दिखेगा, ऊपर में एक लाइन मुझे खींचना है, मान लीजिए इस तरह से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं खींच लेता हूँ, इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करें अपना पीसी पर। और इरेजर टूल्स आप इरेज कर सकते हैं इस तरह से, ये इरेज हो गया, दोबारा आपको दिखा देता हूं। और एक तरीका है, इंसर्ट टेबल पर जाएं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहां पर आपको लिखना होगा, मुझे कॉलम चाहिए 6 तो मैं 6 लिखूंगा, रो चाहे 5 तो 5 लिखूंगा, और मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ गया है, 1 2 3 4 5 पांच रो है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कोई कॉलम ऐड करना है या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, या कोई रो को ऐड या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, या मुझे कॉलम ऐड करना है, ओके, इसका कुछ नाम दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ए और बी का बीच में मैं कॉलम कैसे लाता हूं, देखिए राइट क्लिक, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ए का लेफ्ट में एक न्यू बन जाएगा, मुझे कहां चाहिए, राइट में चाहिए, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, यहां क्लिक कर दें, बीच में यहां देखिए गैपिंग आ गया है, ठीक है, जिसका बीच में चाहिए था आ गया कॉलम। अब कॉलम को डिलीट अगर करना है होल कॉलम को तो कैसे करेंगे, डिलीट सेल में जाएंगे राइट क्लिक करके, डिलीट एंटायर कॉलम, ओके कर दें, देखिए डिलीट हो गया। ठीक इसी तरह से रो को भी हम ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, देखते हैं, राइट क्लिक, इंसर्ट, इंसर्ट रो अबव, ये ऊपर में आ जाएगा, इंसर्ट रो बिलो, ये रो नीचे आ जाएगा, ऊपर में करके देखते हैं, इंसर्ट रोज अबव, ये देखिए ऊपर में आ गया एक रो।
इस रो को डिलीट करने के लिए उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने कॉलम डिलीट किया था, राइट क्लिक डिलीट सेल एंटायर, सॉरी डिलीट एंटायर रो, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ये देखिए डिलीट हो गया, ये आपका बहुत काम में आने वाला है, टेबल आपको काम में आएगा ही आएगा, इसको जरूर ठीक से ध्यान से देख लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करें। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट्स करें, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।